हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल ग्रेट एक हेल्प। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के अंदर आप एक स्टूडेंट अटेंडेंस शीट कैसे बना सकते हैं। तो आपको पूरा का पूरा बताएंगे, ए से जेड तक पूरा का पूरा किस प्रकार से बना सकते हो, क्या क्या करना है, क्या क्या आपको नहीं करना। तो इस प्रकार से जो मैंने बना रखी है, इस प्रकार से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको वर्ड ओपन कर लेना, ठीक है। वर्ड ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है, पेज लेआउट में जाना है, ओरिएंटेशन में जाना है, लैंड स्केप कर देना है पेज को। फिर आपको पेज को जो आपका कोई भी आपका कंप्यूटर लैपटॉप हो, कोई भी हो, उसको आपको क्या करना है, पेज को यहाँ तक दोनों साइड आपको फुल कर लेना है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इंसर्ट में आना है, टेबल के ऊपर आना है और इंसर्ट टेबल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे यानी कॉलम कौन से होते हैं, कॉलम होते हैं अप से डाउन चलते हैं वो आपके कॉलम होंगे, और जो लेफ्ट से राइट चलते हैं वो आपके रो होंगे। तो कॉलम कौन से देंगे, कॉलम है वो देंगे जो मान लीजिए महीने के अंदर 31 दिन होते हैं, 31 तो वो दिन हो गए, ठीक है। और एसआर नंबर 32 और स्टूडेंट नेम 33 और हमको टोटल प्रेजेंट यानी 34। तो यहाँ पे हमको टोटल लेने हैं 34 लिखने हैं। अब यहाँ पे वो लिखने हैं आपके पास स्टूडेंट कितने, आप कितने स्टूडेंट की फाइल बना सकते हो, या आप सीख रहे हो तो आपको देखना है कि हम कितने फाइल बना रहे हैं। तो यहाँ से मैं दे देता हूँ 21, 20, 30, आप जितना चाहो वो आप ले सकते हो और इसको ओके कर दो। इस प्रकार से आपको एक टेबल मिल जाएगी। अब जो इस टेबल से ऊपर वाला जो आपको ये एरिया दिख रहा है, ये हेडर का है, तो आप इस एरिया को आप भूल जाइएगा, ये हमारे किसी काम का नहीं है। टेबल में हमें क्या करना है, इस टेबल को यहाँ से ये प्लस वाला निशान दिख रहा है, इसको पकड़ के नीचे की साइड लेना है, यानी मैं इतना ले लेता हूँ। और जो ये वाला ऊपर वाला जो हमने छोड़ा है, ये वाला एरिया इसके ऊपर एक नई टेबल बनाएंगे, वो आया जाएगी। अब पहले इस टेबल को सेट करना आपको, तो इसके पहले ये वाली जो एक नंबर लाइन दिख रही है, ये वाली यहाँ पे प्लस का निशान बना के लेफ्ट वाले बटन की सहायता से इसको बाहर की तरफ खींच लीजिए, और ये जो लास्ट वाली लाइन है इसको भी आप बाहर की तरफ खींच लीजिए इस प्रकार से। अब हमें यहाँ पे कॉलम बनाना है, एक तो एसआर नंबर का, ये हम बना लेते हैं एसआर नंबर का, और ये हो गया स्टूडेंट नेम का। अब हमें यहाँ पे ये वाला कॉलम बड़ा चाहिए पूरा का पूरा, तो हम इसको यहाँ से इतना बड़ा कर देते हैं क्योंकि इसके अंदर हम पूरा का पूरा नाम वगैरह सब लिखेंगे। तो ये हमारी एक टेबल तैयार होगी, सिर्फ इतना सा करना था। इसके अंदर हमको लिखने हैं पूरा का पूरा जो हमारी डिटेल होती है वो आप लिख दीजिएगा। तो यहाँ से हम वो पूरी पूरी जो डिटेल है वो हम लिख देते हैं प्रकार से। यहाँ पे आएगा स्टूडेंट नेम, यहाँ से एंटर देके नेम लिख देते हैं। इस प्रकार से आपको लिख देना है। यहाँ पे आपको वो लिखने हैं दिन कितने होते हैं, यानी 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख, वो आपको पूरा का पूरा यहाँ से नोट कर देना। मैं यहाँ से पूरा का पूरा। अब आपको लास्ट में लिख देना है टोटल प्रेजेंट, टोटल परसेंट कितने हैं वो पूरा पूरा आप लिख दीजिएगा। ठीक है, टोटल परसेंट यहाँ पे हमने लिख दिया। अब ये टेबल तो हमारी पूरी तैयार हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऊपर वाली टेबल बनानी है। तो वो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस से इंसर्ट में जाना पड़ेगा। यहाँ से इंसर्ट टेबल है, इसके ऊपर टेबल के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से हमको लेना है ड्रॉ टेबल, ये लेने के लिए यहाँ से इसको क्या करेंगे, इस प्रकार से इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और बीच में से एक छोटा गैप छोड़ देंगे क्योंकि टेबल अच्छी लगनी चाहिए दिखने में, यहाँ से इतना स्पेस छोड़ देंगे, फिर इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब इसको डबल क्लिक करके आप पेंसिल को उठा सकते हो ड्रॉ टेबल को। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, स्टूडेंट अटेंडेंस नाम लिखना है। वो लिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डबल बीच में आपको डबल क्लिक कर देना, और यहाँ से आपको नाम लिख देता है स्टूडेंट अटेंडेंस शीट, ठीक है। ये नाम लिखने के बाद आप क्या करना है, इस नाम को सेलेक्ट कर लेना। इस नाम को सेलेक्ट करने के बाद होम में आना और इसको बोल्ड कर देना यहाँ से, और यहाँ से आपको क्या करना है, इसका फॉन्ट चेंज करना। ये वाला फॉन्ट ले लेते हैं और इसका साइज यहाँ से बढ़ा देते हैं। साइज बढ़ाने के बाद में यहाँ से इसका कलर है वो हम कलर दे देते हैं, जो आपको कलर चाहिए वो आप कलर ले सकते हैं। ये लेने के बाद हमें यहाँ पे फोटो लेनी है, यानी आप फाइल के अंदर आप फोटो वगैरह देना चाहते हो अपने कंप्यूटर में, यहाँ पे पिक्चर पे जाओगे तो यहाँ पे आपको आप अपने कंप्यूटर में चले जाओगे, यहाँ से आप कोई भी फोटो उठा सकते हैं। आप सीख रहे हो तो क्लिप आर्ट में जाओ, क्लिप आर्ट के क्लिक करने के बाद आपको गो का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से आपको क्या करना है, कोई भी आप एक फोटो उठा सकते हो, लेकिन मैं कंप्यूटर वाली फोटो उठा रहा हूँ। ये उठाने के बाद यहाँ से इसको क्लोज कर दीजिएगा। फिर आपको क्या करना है, फॉर्मेट में आना है और जो आपको वर्ब टेक्स है या टेक्स वर्पिंग का ऑप्शन मिलेगा उसके ऊपर आपको इन फ्रंट ऑफ टेक्स कर देना है, तो आपकी जो फाइल है वो वापस से ऊपर चली जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस फोटो को छोटा करना है। इस फोटो को मैं थोड़ा यहाँ से छोटा कर देता हूँ, ये फोटो यहाँ से छोटी होगी। अब यहाँ पे क्या करना है, फोटो के जस्ट नीचे डबल क्लिक कर देना है,
तो आपकी फोटो जो आपका कर्सर है वो नीचे आ जाएगा। यहाँ से हमको पूरा का पूरा नाम वगैरह ये लिखने हैं, तो आप वो नाम यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए कि आपको कौन सा नाम लिखना है। जैसे यहाँ मैं, यहाँ से देखो ये मैंने बना रखे हैं, तो मैं इन सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से इनको कंट्रोल सी कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी करके उसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं, यानी यहाँ पे था, इसको कंट्रोल वी कर देते हैं, तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा पेज आ जाएगा जो हमने लिखा था पीछे, तो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा। इसको यहाँ पे क्लिक करके आगे ले लेते हैं इसको इस प्रकार से। और अब हमें क्या करना है, ये वाली जो टेबल हमारी, इसको क्या करना है, यहाँ से इसको पास में लेके आना है, इनके बीच में होनी चाहिए वो टेबल इस प्रकार से। अब हमें क्या करना है, इसको पकड़, या तो आप इस टेबल को पकड़ लो या फिर इस टेबल को पकड़ लो। पकड़ने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस का निशान बनेगा, प्लस का निशान बन जाए तब आपको क्या करना है, इस टेबल को ऊपर की साइड खींच लेना है इस प्रकार से, ये इसके पास में आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, अपनी टेबल को अच्छे से बना सकते हैं। अब हमने क्या करना है, ये वाली जो लाइन है इसको भी सिलेक्ट करना है इस प्रकार से। सिलेक्ट करने के बाद में इसका भी हमको क्या करना है, फॉन्ट चेंज करना है, इसका भी फॉन्ट चेंज कर देते हैं, और इसका भी जो कलर है वो यही सेम ही रख देते हैं सभी का। ये रखने के बाद इसका जो बैकग्राउंड है, ये आपको बाल्टी दिख रही है, होम टैब में आपको पैराग्राफ है, ग्रुप मिलेगा, इसके अंदर ये आप इनका कलर चेंज कर सकते हो, यानी बैकग्राउंड कलर दे सकते हो आप कोई भी। मैं ये वाला दे देता हूँ यहाँ से कलर, और इसके अंदर भी हम कलर यही दे देते हैं, ये वाला कलर। तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हो, कोई भी आप एक स्टूडेंट अटेंडेंस शीट बना सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7 दिन के बाद में संडे आ जाता है, मैंने यहाँ पे लगा दिया एस, नीचे वाला कॉलम उठाया उसके ऊपर भी एस लगा दिया, तो हम उसके अंदर एस एस लगा देते हैं, यानी संडे है। इस कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे, पूरा का पूरा नीचे की साइड खींचेंगे सिर्फ एक को ही। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके छोड़ देना है। फिर बाल्टी वाला ऑप्शन आता है, यहाँ पे हमको आना है कि हमको इसको रेड कर देना है, क्योंकि वो छुट्टी होती है, छुट्टी वाले दिन लगती नहीं है। फिर हम फॉन्ट में आएंगे, फॉन्ट हम कर देंगे यहाँ से वाइट कर देंगे और इसको बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद में जैसे हम साइड में क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारी टेबल दिखेगी। यहाँ पे आपको स्टूडेंट के नाम लिख लेने हैं, यहाँ पे एस आर नंबर लगा देने, एस आर नंबर जैसे 1 2 3, और आपके जितने स्टूडेंट हैं वो आपके नीचे चलते रहेंगे ऐसे, तो आपको पूरे नीचे तक लिख देना है और स्टूडेंट नेम लिख लेना, तो आपकी फिर आपकी क्या हो जाती है, टेबल तैयार होके एकदम करेक्ट बन जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर दोस्त आज आप हमारी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ याद करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं जल्द ही नई टॉपिक और नई शुरुआत के साथ।